अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम काफ़ी ख़ास जगह पे आए हैं, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रश लगा हुआ है। आज भी है हमारे पास जुमा का दिन है और जुमा के दिन पे स्पेशली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और ये भी चेक करें, काफ़ी मज़े का व्यू होता है। और आज का मौसम भी कुछ बहुत मज़े का खुशगवार है, जिसकी वजह से इसकी जो खूबसूरती है दुगनी हो गई है। तो आप लोग व्यू एंजॉय करें, चेक करें इसके साथ। तो ये हमारे पास दरियाई सीन है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और इसकी एक नहर यहाँ पे भी आई हुई है, जो डी खान में मौजूद है। और इसका पूरे पाकिस्तान में ऐसी काफ़ी नहरें जो हैं दरिया के ज़रिए काफ़ी जगह पे मौजूद हैं, जो कि कश्मीर से स्टार्ट होता है, चाइना तक ये जाता है। पूरे पाकिस्तान में इसकी ऐसे दरिया, छोटी छोटी दरिया मौजूद हैं, और जिससे ये पानी कराची जाता है और कराची के समंदर से एक बड़ा दरिया बनता है, जिसको दरियाई सीन बोलते हैं। इसी के साथ अगर यहाँ पे आप लोग देख सकें, छोटी सी होटल बनी है, यहाँ पे लस्सी और चाय मिलती है और पेप्सी वगैरह यहाँ पे मिल जाती है आपको। लेकिन आके हम यहाँ जाएँगे फिर आपके आपके साथ शेयर करेंगे। आके कहा आके हमारे पास काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं यहाँ पे, जो कि कैंट के पास कहते हैं, कैंट यहाँ पे बना है। यहाँ पे पुलिस भी खड़ी होती है, जब भी आप यहाँ पे इस डी खान में चक्कर लगाएं तो ये जगह पे ज़रूर आए, लेकिन अपने साथ शनाख्ती कार्ड NIC वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस खड़ी होती है। चेक पोस्ट बने हुए हैं यहाँ पे, और वो आप चेक करते उसके बाद तो ये लस्सी चेक करें, ये लस्सी पी रहे हैं मेरे दोस्त। लेकिन मैंने चाय मंगवाई है, मैं चाय पीऊँगा इस मौसम में, चाय मज़े की होती है, लेकिन हर किसी का अपना होता है। वो इसको लस्सी अच्छी लगती है तो लस्सी पिए, हम तो चाय पिएंगे। हमारी चाय आ गई है इस मौसम में, इस मौसम के साथ चाय का अलग ही मज़ा है। तो हम आज चाय पियेंगे, तो बोट में आप
دریا کا سفر بھی کر سکتے ہیں اور صحیح سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ چکر ہے بوٹ وغیرہ ہے, آپ تو دریا کو صحیح سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ بوٹ کے ذریعے آپ اس کو صحیح سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. لیکن جو ڈرتے ہیں اس میں وہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے, وہ صرف یہی بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگ. یہ چیک کرے بندہ یہاں پہ نہا رہا ہے, اس پہ چیک کرے. Yeah.